साहब, हमारा नाम गरीबी रेखा में नहीं है और ना ही पात्रता पर्ची है। हमें शासन से मिलने वाला राशन भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे हमें घर चलाने में मुश्किलें हो रही है। हमारी गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवा दो या पात्रता पर्ची, ताकि हमें राशन मिल सके। यह बात नगर के वार्ड क्रमांक 13 जुग्गी बस्ती की महिलाओं ने कांग्रेस कार्यकर्ता राम प्रसाद कसेरा, कैलाश राठौर और मुन्नी रावत के साथ SDM मनीष जैन के नाम तहसीलदार ML वर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए कही। महिलाओं ने ज्ञापन में लिखा है कि सरकार गरीबों को मुफ्त में राशन देने का ढिंढोरा तो पीट रही है, वहीं हम जैसे गरीब आज भी योजना से कोसों दूर है। हमारे सामने परिवार का पालन पोषण करना भारी पड़ रहा है, वहीं बिजली बिल भी ज्यादा आ रहा है, जिसे जमा करवाने की हमारी हैसियत नहीं है। जुग्गी बस्ती निवासी प्रेमा कीर ने बताया कि मेरे घर का एक महीने का बिजली बिल 1,100 रुपये आया है। पहले 100 रुपये का आ रहा था, पिछले 3 महीनों से 200 रुपये आ रहा था, जिसे जमा करवा चुके हैं, लेकिन इस महीने का बिल 1,100 रुपये आया है, जिसे जमा करवाएं या फिर घर का राशन लाए। बिजली विभाग के चक्कर लगाएं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मजदूरी भी नहीं मिल रही है, जिससे घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। तहसीलदार वर्मा ने महिलाओं को राशन के लिए पात्रता पर्ची जारी करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन सौंपने में मंजू बंजारा, भगवती बाई, ज्योति रावत, सुल्तान बी, संतोष कीर, पार्वती बाई सहित महिलाएं उपस्थित थीं।